सो या गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ मैं हरदा, वहाँ से उसकी शादी है। तो अभी बज रहा है सुबह के 4, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। मेरे फ्रेंड्स और मेरी जो फ्रेंड है कुमकुम, उसके भैया लेने आ रहे हैं, तो मैं और पापा यहाँ गेट पे वेट कर रहे हैं। फिर आगे मैं जाऊंगी, फिर हम लोग का शायद बस से जाने का प्लान है, आई डोंट नो। सो मेरा यहाँ बैग भी रेडी है और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। जब हम लोग कुमकुम के घर पहुँचे तो सब लोग ही बाहर खड़े थे रेडी होके। फिर हमने पूजा की और फिर बस में जाके सब लोग बैठ गए। यहाँ पर ब्राइड टू भी बिल्कुल सज धज के बैठी थी और फिर मैंने बस में ही अपनी मेहंदी भी लगा ली और ऐसे ही हमने पूरे बस का सफ़र एंजॉय किया। वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि लड़के वाले हमारा वेट कर रहे थे ढोल और मालाएं लेके, और उसके बाद फिर हम सब ने डांस किया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हमें अपना रूम पता चले तो हम अपना सामान रखें। फिर सेम टाइम पे हमने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली। आफ्टर दैट सगाई के पहले के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। हम रेडी हैं सब लोग, अभी लगन हो रहा है, उसके बाद फिर संगीत है, हमने डांस परफॉर्मेंस भी प्रिपेयर किए। यहाँ हम फोटोज और वीडियो क्लिक कर रहे थे और वहीं हमें पता चला कि यहाँ ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो चुकी है। सो हम लोग फिर भागते हुए नीचे गए, यहाँ इनकी एंट्री हुई और सबका डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी। तो यहाँ हमारे जीजा जी ने भी डांस किया था और हम लोगों ने भी जो डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया था वो भी परफॉर्म किया था। हमारे डांस के बाद स्पेशल डांस ऑफ द डे ग्रूम और ब्राइड का था, जो कि बहुत ही प्यारा हुआ। उसके बाद फिर इन लोगों की इंगेजमेंट हुई, तो दोनों ने अपने नीज पर बैठ कर एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। इंगेजमेंट होने के बाद फिर सब लोग फ्लोर पे आए और सब ने बहुत डांस किया। संगीत और रिंग सेरेमनी हो गई है, तो मैंने जस्ट अभी अपने कपड़े चेंज किए, तो मैं हैवी हैवी सूट लेके आई थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है शादी में जाने का, तो मैं हैवी सूट लेके आई थी, तो मैंने वही पहना है। अब वो रेडी हो रहे हैं रिसेप्शन और फेरों के लिए, तो वो रात में ही है, तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। अभी तो टाइम लगेगा एक्चुअली में, क्योंकि अभी कुमकुम का भी मेकअप वगैरह बचा है, उसका होगा, उसका शूट वूट होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे रेडी होना। यहाँ पर सारे ही लोग रेस्ट कर रहे थे इवनिंग के फंक्शन से पहले, जब तक कुमकुम का मेकअप नहीं हुआ था। सो ऐसा कुछ स्टेज सजा है अभी के रिसेप्शन के लिए, वो एंट्री है, एंट्री में मैं दिखा देती हूँ। वहाँ साइड पे हुआ था संगीत, वहाँ नीचे लगा था स्टेज संगीत और रिंग सेरेमनी का। देन कुमकुम का मेकअप हुआ, उसके बाद उसका फोटोशूट स्टार्ट हो गया था और सेम टाइम पे बारात भी आ गई थी। देन फटाफट से हम नीचे गए और तुरंत ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर दैट हमने बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ बनाए और ऐसी कुछ लग रही थी मैं जो खुद से ही रेडी हुई थी। अभी फोटोशूट चल रहा है, हम ऑलरेडी फोटोशूट करा के आ गए हैं, तो ये पूरी फैमिली है कुमकुम की, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, सब लोगों को इकट्ठा करने में इतना टाइम लग गया कि वो अब फोटो खींच रहे हैं। मिडनाइट में फिर कुमकुम की शादी स्टार्ट हो गई थी। पर कहेंगे स्वीकार।
शादी होने के बाद यहाँ जूता चुराए की शगुन की बात हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से यहाँ बात हो रही थी। आफ्टर दैट शादी के बाद की सारी रस्में हुई। कुमकुम हो गई है विदा और अब हम लोग अपने सामान नीचे ले जा रहे हैं। बस में बैठ के हम लोग निकल गए थे अपने होम टाउन के लिए और सारे ही लोग सो रहे थे क्योंकि रात भर जगे थे। आने के बाद मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये सारे वीडियो थे जहाँ पे कुमकुम का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ उसके ससुराल में, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिए हैं। और हाँ जी, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।